अप्पा जी सुर कसे जा रहे हैं? सुर पाजी सिर्फ ढोलक के, और बाकी सुर कस दिए सुर सारे आप? हाँ जी तबले के? हाँ हाँ बज रहा है? बज रहा है। सुर में है? सुर में है, बेसुर थोड़ी बजे हैं। बेसुर थोड़ी ना बाजी, बड़े बड़े बेसुर सब सुर में दिखाई पड़ रहे हैं। यही मौसम है ना सुर में आने का। मेरा एक मानना है कि राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो MLA है वर्तमान में, पिछले 15 सालों से भरतपुर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, और जाते हैं तो अब भगा देते। गलत कहना है इनका। MLA साहब ने जितना विकास किया है किसी ने नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ 1,01,000% एक लाख एक परसेंट सत्य है। जितना MLA साहब ने काम किया है उतना भरतपुर के लिए आज तक किसी ने कार्य नहीं किया है। एक लाख एक परसेंट सुना है कभी? 1,01,000% नहीं सुना ना भरतपुर में? सुनो बेटा, हाँ जी, किसी समय में यहाँ इतना साफ पानी था, आधा भरतपुर इसी में नहाता था। आज स्थिति ये है कि आप आज स्थिति ये है कि चुल्लू भर पानी लो, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है पानी से। आज स्थिति ये है चुल्लू भर पानी लो और इसमें वो डूब मरो जो इसके करता धरता है। चुल्लू भर पानी लो और क्या करो? डूब मरो। गाड़ी तो नहीं मिल गई मगर मजदूरी तो पूरी नहीं मिलती। क्यों? सवारी तो कितना बैठ रही? नहीं बैठती, 5 रुपए में नहीं बैठाते हम। 5 रुपए में नहीं बैठाते? 10 रुपए। अब 10 रुपए कर दिया? क्यों? महंगा क्यों हो गया? महंगाई के हिसाब से मोदी ने महंगा कराया सब। मोदी ने महंगा किया, कांग्रेस आएगी तो सस्ता हो जाएगा। कांग्रेस आएगी और सस्ता हो जाएगा। पाजी आ गए ढूंढते ढूंढते, खुशबू तुम्हारी, खुशबू बहुत दूर तक जाती है पाजी तुम्हारी, और लोग तुम्हारे पास आ जाते हैं। तो जगह है भरतपुर, और बना क्या रहे हो बाबू उस्ताद? जी भाई है पाजी, पॉइंट है ये चाट, लेकिन बन रहा है चाउमीन पाजी। यही हुआ है शहरों में, चाउमीन और चाट का घालमेल हर जगह दिख रहा है, बिहार में हो चाहे यहाँ। तो आपने चाउमीन लेने आई है? बच्चों के लिए बड़ी प्रसिद्ध जगह है ये चाउमीन की। चाउमीन और चाट आप लोगों ने खाना छोड़ दिया? बच्चे पाजी यही हुआ है बस, बच्चे अब चाउमीन पसंद करने लगे हैं। आप तो चटोरे हैं ना? चटोरे हैं, बिल्कुल चटोरे हैं। गोलगप्पे खा रहे हैं? खा रहे हैं, मजा आ रहा है गोलगप्पे में। गोलगप्पे में मजा आ रहा है, यहाँ की नमकीन भी बहुत पसंद है। नमकीन भी बहुत अच्छे, गोलगप्पे में मजा आ रहा है पाजी, आपको मजा आ रहा है पाजी? ओए है पाजी, आप तो बस शहर पे शहर घूमते रहो। इधर डोसा भी चल रहा है पाजी। क्या नाम हो गया बाबू? क्या नाम हो गया आपका? पंकज। पंकज, पंकज जी डोसा खा रहे हैं पाजी। और भाई साहब ऐसे मतलब हम समझे, क्या मतलब इस विषय में पूछना चाहता हूँ? इस विषय में तो ये कि चाट खानी है या चाउमीन खानी है? नहीं, मैं तो आपको देख के रोका भीड़ का। हाय हाय, बस भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो भाजी बताओ क्या होना है? चैनल वाले हैं। हाँ तो बताओ क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में कोई अच्छा आदमी जीता तो बढ़िया है। आदमी जीता तो मतलब क्या हुआ? मतलब आदमी अच्छा जीते, कैंडिडेट अच्छा, आदमी काम करने वाला होना चाहिए। भरतपुर में कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ? हाँ सही ढंग से बिल्कुल काम नहीं हुआ है। यहाँ रोडों का सीवरेज वीवरेज सब कुछ है, सीवरेज सीवरेज वगैरह सब ध्वस्त पड़ी हुई है। सुजान गंगा नहर है, साल से सुजान गंगा नहर है, वो सुसाइड पॉइंट है बिल्कुल। यहाँ का आए दिन वहाँ लोग बाग मरते हैं, मरते हैं। हाँ हर हर में सुसाइड नोट बन चुका है, सुसाइड नोट बन गया सुजान पॉइंट। और अभी वहाँ आधा शहर डूबा पड़ा हुआ, आधा शहर पाजी डूब गया। गजब है पाजी, है जी विनाश, टोटल विनाश हुआ। पानी बाढ़ की पानी बहुत ज्यादा आया है और बिल्कुल पानी का निकाल नहीं है। 3 साल से काम चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ है, और सड़क वगैरह सब ध्वस्त पड़ी हुई है, पूरी व्यवस्था फेल है। तो करोगे क्या ये बताओ इस बार चुनाव में? परिवर्तन करेंगे, इतनी देर से यही पूछ रहे, इतनी देर से पूछ रहे, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। चाट खा रहे हैं आप? तो चाट खा रहे हैं चाट, तो इधर पाजी चाट वाले हैं, उधर चाउमीन वाले हैं। आप तय करो आप कौन वाले हो। अजी आप कौन वाले हो? बताओगे नहीं ना, मुझे मालूम है तुम्हारा भी शहर यही है भरतपुर, मुझे मालूम है पाजी। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र, भरतपुर विधानसभा, पाजी का भी यही है भरतपुर विधानसभा क्षेत्र। तो क्या होगा इस बार यहाँ पे? इस बार यहाँ पे 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी के MLA यहाँ पे हैं, हाँ। और उनकी देखरेख उनके 15 साल के शासनकाल में
विधानसभा में ना तो भरतपुर की कोई बढ़िया तरह से पैरवी की हुई, ना उन्होंने वहाँ पर भरतपुर के लिए कोई अच्छे आयाम स्थापित किए हुए। युवा नौकरी को यहाँ जयपुर दिल्ली के लिए भटक रहे हैं, इस तरह की इतनी स्थिति खराब भरतपुर की, इतनी दयनीय स्थिति आप सोच नहीं सकते। आए दिन सुजान गंगा नहर में दो हजार लोग आपके सामने नहर दिख रही है। गरीब और शोषित और पीड़ित वर्ग के लिए जो खाद्य सुरक्षा का गेहूं उपलब्ध नहीं करा सकती, मैं कह रहा हूँ तमाम योजनाएं चला रखी है, मतलब उसके बावजूद भी लोगों को कोई राहत नहीं हो रही, इसलिए नहीं दी जा रही। इतने पेचीदा स्थितियां पैदा कर दी है कि लोगों की चप्पलें घिस गई और कार्ड की सरकार बना दी है। आज स्थिति ये हो गई है, भरतपुर के विकास की घोषणा पीटते हैं, काय का विकास है, आप एक फैक्ट्री तक नहीं लगा पाए, चाहे सुजान गंगा मुद्दा हो, चाहे सीएमसीडी का मुद्दा हो, चाहे आपके भरतपुर के लिए पानी लाने का मुद्दा हो, एक भी भारतीय 15 साल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट मांगने का हक रखती हो। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं आपके 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 कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस की 21 सीटें तब भी आई थी, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप के साथ राजस्थान में से साफ हो जाएगी। चले रहो बस धीरे 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 धीरे, शहर घूमते रहो, आज भरतपुर हो पाजी, शहर है शहर, सूरजमल। हाँ भैया जी, अरे राधे राधे भैया जी, आप पाजी क्या बात है। पाजी आप तो बस बातचीत करते रहो, पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो, जानते रहो, आप नब्ज पे हाथ रखते रहो, बाकी पता चलता रहेगा। जी क्या नाम हो गया साहब आपका? अरविंद पाल चौधरी है मेरा। जी जी अरविंद जी, आप भरतपुर में ही रहने वाले? हाँ भरतपुर में ही रहता हूँ। बड़ी खास जगह है ये तो? बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है भरतपुर जी, और भरतपुर की ये खास पॉइंट जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल चौबुर्जा ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक जगह है तो ये बताइए इतिहास इस बार क्या करने वाला है? इतिहास मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लगातार दो बार से जीत रहे और आगे भी जीतेंगे ऐसा मेरा मानना है। 100% जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग कहते हैं ना 15 साल में क्या किया, इन्होंने 50 साल में क्या कर दिया? नाराज हो, नाराज नहीं, नाराज 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 नाराज, विकास हमारा मुद्दा रहा, विकास का मुद्दा, विकास तो मुद्दा होना ही चाहिए, लेकिन ये 5 साल में कांग्रेस और 5 साल में बीजेपी ने बांट के खाने की एक व्यवस्था बना ली है और बुरी तरीके से इस भरतपुर की हालत खराब है। पिछले 15 सालों से देख लें और कभी से देख लें, एनसीआर से जब से आया जब से, तो बेरोजगारी की इतनी स्थिति खराब हो गई कि पूछो मत आप। और चारों तरफ पूरे भरतपुर शहर में विचरण कर रहे हैं सारे आवारा सांड और बुरी तरीके से हालत खराब है। आप नहर की स्थिति देख लें, नहर की स्थिति देख ली, ये सारी स्थितियाँ, ये तो नहर तो इनका आमदनी या सोर्स है कि हर साल वो मतलब की बजट पेश होता है और ये लोग खाते हैं, ये तो एक इनका बिजनेस है, बिजनेस है इनका। क्या क्या होगा इस बार, क्या करेंगे सर? इस बार आम आदमी की पार्टी सही सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी? यस। आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी। क्या बताइए साहब? बोलो, नहीं बोलो आप, आप बोलो, क्या बोलो बताओ, क्या होगा इस बार? इस बार की जनता जो भी चुनेगी आम आदमी को चुनेगी, आम आदमी चुनेगी, और क्या। नोटा, नोटा आएगा जब बाजी, कहाँ थे तुम यार? नोटा, नोटा पे, नोटा पे, बिल्कुल सबसे नाराज, बिल्कुल। जो भरतपुर के विकास की बात करेगा, विकास कराने में अपना योगदान देगा, वो चुना जाएगा आपके प्रतिनिधि। इस सरनाट भरतपुर को कांग्रेस लाएगी, कांग्रेस करेगी भरनाट भरतपुर। कांग्रेस के युवा नेताओं से, कांग्रेस के युवाओं से भरतपुर को पूरी उम्मीद है। और पूरा भरतपुर संभाग मुख्यालय होने के बावजूद भी आज विकास में पिछड़ा हुआ है, पूरा भरतपुर युवाओं की ओर देख रहा है, कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है, कांग्रेस आएगी। 15 लाख रुपए चाहिए साहब मुझे, जो 5 साल पहले 15 लाख जब मिल जाए 5 हमको भी देना। 10 लाख आपको दूंगा, 5 लाख ही ले लूंगा मैं तो। करोगे क्या? भरतपुर के विकास में लगा दूंगा थोड़ा बहुत, 5 लाख रुपए अगर मुझे, 10 लाख आपको दे दूंगा, 5 लाख रुपए यहाँ लगा दूंगा, जो सड़कें खराब पड़ी है और ये गलियां नहीं बनी पड़ी उनमें लगा दूंगा। क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम नदीम है साहब। नदीम साहब कह रहे हैं कि जो 15 लाख अगर मिल जाए, जो 15-15 का वादा, तो 10 हमको देंगे और 5 लाख में मेरी गली में लगवा दूंगा सामने। क्या ईमानदारी है पाजी, है ना मजेदारी। बीजेपी की सरकार से लोग सख्त नाराज हैं, जैसे कि युवाओं को बेरोजगार, राम मंदिर में SC/ST कानून ले आई, लेकिन राम मंदिर मुद्दे को राजनीतिक कारण से लटका कर रखा हुआ है। और कौन सा उसका लाभ उठा दिया राम के नाम पर, और बोलिए नोटबंदी कर दी तो
नोटबंदी की, कोई ठीक किया ना? क्यों ठीक किया वो है? दो नंबर का पैसा पकड़ में कहाँ आया उसका? दो नंबर का पैसा नहीं पकड़ में आया, क्या पकड़ में आया है? सारा एक नंबर कर दिया उसने, दो नंबर सब एक हो गया, अब एक नंबर कर दिया उसने। और जीएसटी? जीएसटी में मध्यम वर्ग दुकानदार की कमर तोड़ के पटक रखी है, महंगाई, डीजल, पेट्रोल का, और कौन ज्यादा, कौन ज्यादा भुगता है? हम लोग भुगते, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। भैया जी, भैया जी कैसे हैं आप? भरतपाल जी, भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया जी कहें। हाँ, क्या बात है, आज भरतपुर है, आज भरतपुर तो बताओ, भरतपुर का क्या चल रहा है सर? भरतपुर का साहब, भरतपुर में कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल? कांग्रेस का है। इस बार गई? इस बार गई। अच्छा, बिल्कुल, क्या बात है, ये तो प्रोग्राम बहुत देखते हैं। क्या बात है पाजी, पाजी शाम धीरे धीरे भरतपुर में ढलने लगी, लेकिन आप पाजी शहर, शहर आपके पीछे पीछे चलने लगा। अरे भाई शहर इकट्ठा है छत पर बातचीत करने के लिए, वो जामा मस्जिद दिखती हुई। क्या नाम हो गया बाबू जी आपका? धनीचंद शर्मा। नाम भूल रहे हैं क्या? नहीं, धनीचंद शास्त्री। सासू भाई आप तो भूल गए थे नाम। नहीं, नाम तो ही है। है, नाम तो है ना? क्या बात है भाजी, नाम ही भूल जाते हैं लोग। क्या है भाजी? हाँ जी, क्या लग रहा है? अच्छा, भरतपुर में भी बहुत जोर से था, बहुत जोर से लगेगा, बहुत जोर से लगे, बहुत जोर को भांगको अंटा। पाजी सिर्फ बनारस में नहीं, भरतपुर में भी भांगको अंटा। तुम खाते हो भांगको? नहीं, बिल्कुल नहीं खाना। नहीं, आप बिल्कुल नहीं। शास्त्री जी खाते हो? शास्त्री जी, शास्त्री तो खा के लगा लिया। अब नहीं, अब कुछ नहीं खाया, अब नहीं खाया, छानते थे, छानते थे। वो असर तब जी, नाम ही भूल गए। क्या बात है शास्त्री जी, गजब है। बहरहाल मुद्दे, पाजी अपनी जगह खड़े हैं, बहुत सीरियसली नौजवान हैं, मौजूद हैं, बहुत गजब की बात है। और डर तो नहीं, अंटा अंटा तो नहीं लगा लिया? नरेंद्र सोलंकी, बच्छामदी सर। देखिए, हमारे यहाँ नेताएं तो बहुत होते हैं, बीजेपी ही सबसे जोर पे है, पर हम चाहते हैं कुछ बदलाव आए। अच्छा, नेता तो यहाँ बीजेपी है, तुम्हारा जोर है कि कुछ बदलाव आए? मतलब क्या हुआ? मतलब जो है सर कि मतलब कोई भी, कांग्रेस का भी जरूरी है, कांग्रेस का भी जरूरी है। लगा लिया अंटा तुमने, उधर की भी बात कर रहे हो, उधर की भी बात कर रहे हो। हो गया काम, आपका भी काम बहुत टाइट है। हाँ जी, नरेश लवानिया जी, यहाँ भरतपुर में साहब 15 साल से विधायक है यहाँ पे बीजेपी के। हाँ जी। उन्होंने भरतपुर को पूरा सड़ा दिया और वो तो सूर्यास्त और वो मस्त। गजब है भरतपुर यार, हैं? या कोई अंटा, कोई मस्त तो कोई मस्त, सब यही बातचीत है क्या? क्या नाम हो गया तुम्हारा? लोकेश। लोकेश क्या काम करते हो? लोकेश सर मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट। पढ़ाई कौन सी क्लास में? सर मैंने बीएड कर रखी है। बीएड, तो अब तो तुम टीचर बनोगे? सर रहेगी, नहीं आया नंबर, क्या करें? नहीं नंबर आया, नहीं आया सर। निराशा है क्या? निराशा, निराश ना हो ना बाबू, लगे रहना, यस सर, रोशनी की तरफ देखते रहना, आएगी आएगी रोशनी आएगी, हिम्मत मत हारना। नो सर, बिल्कुल बिल्कुल भी ना पाजी, बस यही जब नौजवान मिलता है कहता है नंबर नहीं आया, नौकरी नहीं मिली, तो दुख तो होता है, लेकिन पाजी फिर यही है कि हिम्मत बांधे रहो। क्या नाम हो गया आपका? नहीं, गंगाराम पारा सर मेरा नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं हिंदी साहित्य समिति का उपाध्यक्ष हूँ, पीछे हिंदी साहित्य समिति है, पीछे ही है, हमेशा हिंदी पीछे ही रहती है सर, हिंदी हमेशा पीछे ही रहती है, एशिया की नंबर वन संस्था है जी। अली जी पीछे है उसका उपाध्यक्ष, फिर भी पीछे है वो पाजी, यही है हिंदी के साथ, आदमी आगे होता है, संस्था पीछे होती है। कौन सी? हिंदी की जी, आप बोलो। भरतपुर का बड़ा दुर्भाग्य है, भरतपुर में पिछले कई दशकों से कोई विकास की स्थिति नहीं है, और आज आम जनता इतनी परेशान है, और पोजीशन इस तरह की हो गई है, चारों तरफ धूल आंधी, और आप देख के अपने पास में देखा होगा वो अपनी जो नहर थी, बड़ी गंदी, जो भरतपुर का इतिहास है, लोगों ने कहा कि वो सुसाइड पॉइंट बन गया, सुसाइड पॉइंट बन गया, वहाँ बहुत मौतें होती हैं, और इस सब सुनने वाला नहीं है कोई, सुनने वाला नहीं है। नौजवान तुम्हारा? उज्ज्वल गोपालिया, विद्यार्थी परिषद का पूर्व जिला संयोजक। अच्छा, विद्यार्थी परिषद क्यों जी? वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्या धंधा है आपका? वकालत करता हूँ सर। वकालत जी? वकील साहब नमस्ते। नमस्ते, तो बताओ वकील साहब क्या होगा इस बार राजस्थान में? देखिए, बीजेपी ने जितने भी मुद्दे उठाए थे वो सारे गलत हैं उनके है? और बीजेपी ने जो भी घोषणा की थी चुनाव से पहले, भामाशाह योजना तो कितनी अच्छी योजना है, तो योजना का उद्देश्य तो वही है जो पहले से चल रहा है उसका। अच्छा, इलाज वाला मुख्यमंत्री गहलोत जी ने चलाया था वो, वही वाला लाभ तो वही मिल रहा है उससे।
तो कोई नया नई चीज जुड़ी? नया कुछ नहीं है। अब वकील साहब कह रहे हैं तो बात मान ही लो बाजी, अब क्या इससे ज्यादा कोई तर्क थोड़ी ना, वकील साहब से तर्क नहीं किया जाता। हाँ बाबू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? योगेश उपमन मेरा नाम है जी। योगेश, भरतपुर 15 साल से इतना पिछड़ गया है कि ड्रेनेज सिस्टम, रेस्ट गार्डन में इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम होता था कि जिसको चीन के लोग भी यहाँ देखा करते थे कि भरतपुर का ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का। चीन के लोग आते थे, चीन के लोग आके यहाँ सर्वे करके देख के गए थे, लेकिन आज वो स्थिति हो गई, वो ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया भरतपुर का और भरतपुर पानी की उसमें सड़ा हुआ है चारों तरफ से। और कोई भी सरकार, 15 साल से बीजेपी की एमएलए या विधायक बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और भरतपुर की स्थिति दयनीय हो गई। लक्ष्मण जी के मंदिर में मौजूद हो, सामने जामा मस्जिद दिख रहा है, मंदिर का घंटा बज चुका है बाजी, चुनाव का भी घंटा जोर से बोलो घंटा। तो पाजी फैसला होगा, जो फैसला होगा वो आप उस दिन भी आएंगे बताने आएंगे। बहरहाल पाजी चक्का घूम रहा है, गाड़ी घूम रही है।